हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज इंदौर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, 19 जून को आप सभी के एमबीबीएससी प्रीलिम्स 2021 की जो परीक्षा है वो प्रस्तावित है। हालांकि यह चर्चा भी चल पड़ी है कि क्या यह परीक्षा तय समय से हो पाएगी, क्योंकि जून में ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी है। फिलहाल जब तक डेट्स नहीं आ जाती तब तक इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए आप सभी फिलहाल 19 जून को ही इस एग्जाम की जो है फाइनल डेट मानकर चलिए और तैयारी करिए। समय समय पर मेरे द्वारा आप सभी को एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी से संबंधित जो चीजें हैं वो पॉडकास्ट के माध्यम से बताई गई हैं। आप उन्हीं को, चूंकि अब एग्जाम पास में है, तो थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है। देखिए, जहां तक तैयारी का सवाल है तो आप सभी को पता ही है कि सबसे पहले हमको जो है इसका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से डिकोड करना होता है, क्योंकि सिलेबस की जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप कैसे ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या ज्यादा पूछा जाता है, क्या कम पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको थोड़ा सा सिलेबस से एक बार अंडरस्टैंडिंग होने के बाद पुराने पेपर्स देखने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं, तो ये दोनों चीजें आप सभी ने सबसे पहले की। उसके बाद फिर बात आती है कि आपके पास जो कंटेंट है, नोट्स है, वो कैसे हैं, क्या उनमें वो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में आपको सफलता दिला पाएंगे। मेरिट से 5 या 10 क्वेश्चन ज़्यादा आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी को मैंने पहले ही बताया कि 100 में से 10 प्रश्न तो ऐसे होती हैं मोटे तौर पर जिनमें कि विवाद होता है, विवादित होते हैं, और 8 से 10 प्रश्न ऐसे मान लीजिए जो कि अनकन्वेंशनल होंगे, आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसके बावजूद भी वो आपसे नहीं बनेंगे। तो अब बात आती है कि 80 प्रश्नों में से आपको 75 नंबर लेकर आने हैं, तो वो 75 प्रश्न जो है वो कैसे सही होंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है स्टडी मटेरियल का, इसलिए मैं ये पॉडकास्ट आपके लिए स्पेशली स्टडी मटेरियल के लिए लेकर आया हूँ। आप सभी के समय समय पर मैसेज आते हैं, चूंकि पॉडकास्ट के माध्यम से आपको एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंसर की कक्षाएं, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एसरीज हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में जो उपलब्ध है उनको खरीदने के बारे में बताया जाता है। तो आप सभी चाहते हैं कि इनको एक बार बताया जाए अच्छे तरीके से, इनकी क्वालिटी क्या, इनमें कंटेंट है, किस तरह से इनको डिजाइन किया गया है, तो इसलिए ये पॉडकास्ट लेके आए हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको देखिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक हैं, उसमें इस तरह से हमने कवर पेज डिजाइन किया है कि सबसे फ्रंट पर ही हमने आपको सिलेबस दे दिया है। जनरली अदर नोट्स या बुक्स में ये होता है कि यहाँ पर पिक्चर्स का प्रयोग किया जाता है और अंदर जो है कंटेंट आपका कम ज़्यादा हो जाता है, तो हमने इस परेशानी का हल निकाला है और आप सभी के लिए फ्रंट पर ही सिलेबस दे दिया है। सो दैट आप क्या करेंगे, आपको ये पता रहेगा कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या जो नोट्स आपने एलीट स्टडीज का उठाया उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं या नहीं, क्योंकि फ्रंट पर पिक्चर्स बना देने से, चित्र बना देने से आप सभी समझते हैं कि अट्रैक्टिव तो लगता है, लेकिन अंदर आपको जब भी कोई चीज देखनी पड़ती है, मिलानी पड़ती है, तो सिलेबस उठाना पड़ता है। इसलिए स्टार्टिंग में ही इसको रख दिया गया है, आगे देखते हैं। इसी तरह से ये आपकी जो हिस्ट्री है, इतिहास का पार्ट, उसमें भी आपका सिलेबस आगे दिया हुआ है। ये आपकी सुविधा के लिए है, सो दैट आप स्वयं देख लें कि जो नोट्स, जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें वो कंटेंट है या नहीं है। इसी तरह से एक और जो है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए आप यूनिट 10, इसमें जितने भी आपके आयोग हैं वो दिए हुए हैं। सारे जो नोट्स हैं वो तो दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन चूंकि आपको मैं
एक किसी टॉपिक का डेमो दिखा देता हूँ जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि कभी कभी जो हम पिक्चर्स शेयर करते हैं या स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं उसमें क्वालिटी थोड़ी सी कहना चाहिए उतनी अच्छी नहीं होती है, पिक्सल्स कट जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड हो रही है स्क्रीन, इसी तरह से बिल्कुल आपको चीजें मिलेंगी। आगे देखते हैं कंटेंट कैसा है। इसके लिए हम आपको एक टॉपिक कृषि उत्पाद तकनीक इसमें दिखा रहे हैं। आप सभी को पता है कि जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो जब भी क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, तो सबसे पहले ये कोशिश की जाती है कि हम बेसिक्स पर काम करें, सबसे पहले उनके जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं, उनको समझें। तो जैसे ये कृषि उत्पाद तकनीक है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कृषि होता क्या है एक्चुअली। तो एग्रीकल्चर अगर साधारण शब्दों में अगर किसी से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि जैसे एक किसान है वो गेहूं, चावल, चने ये उगा रहा है और उसको जाके मार्केट में बेच रहा है अपना जीवन यापन करने के लिए, तो यही जो एक प्रक्रिया है उसको कृषि कहते हैं। तो ये तो साधारण सी एक चीज है। देखिए अब जो वर्तमान में अगर हम कृषि को विज्ञान कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं सभी कृषि उत्पाद तकनीक लिखा हुआ है, जब इसमें तकनीक जुड़ जाएगी तो निश्चित रूप से कृषि का जो उत्पादन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो तकनीक शब्द का इस्तेमाल ही क्या हो गया कि कृषि क्या है, एक विज्ञान। अब जब कृषि को विज्ञान के रूप में देखा जाता है तो ना केवल इसको इसमें फसलों का उत्पादन बल्कि आपका जो बागवानी है, हॉर्टिकल्चर है, वो भी शामिल हो जाता है, पशुपालन भी शामिल हो जाता है। तो तमाम तरह की गतिविधियां जो है वो उसमें शामिल हो जाती हैं। इसीलिए जो कृषि है वो एक विज्ञान है और इसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, कृषि व्यवस्था के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाईलाइट किया हुआ है, जो मेन मेन पॉइंट्स उनको अंडरलाइन किया हुआ है और जो अंग्रेजी के टिपिकल वर्ड्स हैं उनको ब्रैकेट में जो है कहना चाहिए, हिंदी के टिपिकल वर्ड्स को अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो इससे आपको और सहूलियत होगी क्योंकि कभी कभी हिंदी के वर्ड इतने टिपिकल होते हैं कि उनको अंग्रेजी में ही समझना होता है। लेकिन लिखना आपको याद रखिए, जब मेंस में लिखेंगे तो लिखना आपको हिंदी में ही, अगर आप हिंदी माध्यम से, यहाँ सिर्फ समझने के लिए दिया है। इसी तरह से आगे बीज है, फिर उसके बाद आप सब देख सकते हैं बीजों के प्रकार दिए हुए हैं, जितने प्रकार के बीज होते हैं ये डायग्राम से समझाया गया है। इसी तरह से आगे खाद, मतलब डायग्राम का भी प्रयोग है, मैं यही दिखाने की कोशिश करूँ जहाँ हेडिंग्स आपको हाईलाइट करनी, हेडिंग्स हाईलाइट हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन किया गया है, पॉइंट में चीजों को दिया गया है, यहाँ पर कार्बनिक खाद और अकार्बनिक खाद में अंतर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा नोट्स है आपका, ये देखिए पुनः एक डायग्राम, फल विज्ञान की बात की गई है, तो ये इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप पाएंगे इसमें कि जो फैक्ट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो पूरे फैक्ट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, और इतनी आसान और सरल भाषा में ये दिए हुए हैं कि जब आप इनको उठाएंगे, पढ़ने बैठेंगे तो आप खुद ये ऑब्जर्व करेंगे कि सारी किताबें, सारे नोट्स जो आपके पास पहले से पढ़े हैं वो एक तरफ रख देंगे और सिर्फ इनसे ही पढ़ना शुरू कर देंगे। ये आपको इनको ऑर्डर करने के बाद पता चलेगा और ये यही है कि आप देख सकते हैं सांच को आज क्या, ये इसीलिए दिखाया जा रहा है कि आप क्वालिटी देख लें, आप अंडरलाइन किया हुआ है नहीं किया है, हाईलाइट किया है नहीं किया है, इस तरह से सारी चीजें जो है वो इसमें दी हुई है। अब आगे पूरा हमने कंप्लीट करने के बाद महत्वपूर्ण तथ्य अलग से एक फास्ट रिवीजन के लिए, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। साथ ही साथ फिर उसके बाद हमने कृषि से संबंधित जो प्रमुख भारतीय संस्थान एवं कार्यक्रम है वो भी, क्योंकि इन्हीं का योगदान होता है ज्यादातर उत्पादन और तकनीक के संबंध में, तो ये आप देख सकते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की गई है, ये कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी की बात की गई है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें तो आपको पता भी नहीं होगा, जैसे कि ये गैबी वोट की बात की गई है, क्या होता है ये,
इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस तरह से ये सारे संस्थान हैं। फिर बहुत अच्छी चीज, एक महत्वपूर्ण तथ्यों को अलग से फिर आपके लिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में यहाँ पर दे दिया है, उन चीजों को रटने के लिए जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं ऐसे फैक्ट्स। तो ये पूरा नोट्स है, आपको जितना एग्जाम में पूछा जाना है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ अन्य तथ्य हैं जो कि किसी से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके का पूरा नोट्स है जिसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि देखिए हर नोट्स को दिखा पाना संभव नहीं है। कारण यही है कि अगर सारी चीजें आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएंगी तो फिर जो बच्चे नोट्स ऑर्डर कर रहे हैं उनको उतना फायदा नहीं हो पाएगा। और साथ में आपको बता दें कि एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंसिपल के जो ये नोट्स हैं ये इस तरह से डिजाइन किए गए हैं, इस तरह से बनाए गए हैं कि इसमें पिछले 8-10 साल में जो MPPSC ने परिवर्तन किया है, जिस प्रकार से प्रश्नों को पूछा है उसी प्रकार से हमने चीजों को इसमें जगह दी है और कोशिश की है कि और एक लेवल ऊपर हम जो फैक्ट्स हैं तथ्य उनको कवर करें। और आप यह भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर आप लाखों रुपए की अपनी फीस बचाना चाहते हैं तो आप एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंसिपल के नोट्स ऑर्डर करें और इन नोट्स से पढ़ाई करें, साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और एक बात आपको बता दूं कि जो बच्चे एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंसिपल के नोट्स ऑर्डर कर रहे हैं उनको प्रिंसिपल स्वयं जो है एग्जाम से संबंधित सारी रणनीति उनको नोट करवा रहे हैं, रणनीति, टाइम मैनेजमेंट और डे टू डे उसकी जो प्रोग्रेस है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप प्रिंसिपल के नोट्स, टेस्ट सीरीज और रणनीति के हिसाब से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, साथ ही आप लाखों रुपए अपने मेहनत के अपने माँ बाप के बचा भी पाएंगे। इसलिए हमारा प्रयास है कि आप ये नोट्स खरीदें, पढ़ें और इसका फायदा उठाएं, क्योंकि इसमें वही है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और ये नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एलीट स्टडीज इंदौर के द्वारा ही आपको मिलेंगे। किसी भी फोटोकॉपी की शॉप पर या किसी भी जगह अगर आपको ये नोट्स ऐसा बोलकर दिया जाता है कि ये एलीट स्टडीज इंदौर का है तो यकीन मानिए कि वो हमारा नोट्स नहीं होगा, क्योंकि हमारे नोट्स सिर्फ और सिर्फ हमारे सेंटर से ही डिलीवर होते हैं, अन्य किसी भी जगह से नहीं होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप किसी और XYZ संस्थान के या किसी और नोटबुक को लेकर आ जाएं। एलीट स्टडीज इंदौर के जो नोट्स हैं वो हमारे संस्थान से ही मिलते हैं, अन्य किसी जगह से नहीं मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इनको ऑर्डर करने के लिए 9685707012 पर हमें व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप करके इंक्वायरी करिए और अपने एड्रेस पर इनको मंगवाइए। ये आने वाले मेंस में भी आपके लिए कारगर है, 2022 के लिए भी आपके लिए कारगर है। चाहे प्रिलिम्स हो, चाहे मेंस हो, इंटरव्यू हो, चाहे बैंक, SSC, रेलवे हो, व्यापम, MPSI, पटवारी, शिक्षक भर्ती, सभी के आपके नोट्स हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में बहुत ही सरल लैंग्वेज में टू द पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वही आपको मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। आई होप कि आपको ये नोट्स पसंद आए होंगे। अपने दोस्तों को, मित्रों को, साथ ही साथ अपने भाई बहनों को भी जरूर बताइए ताकि वो भी शुरुआत से वही मार्गदर्शन, वही गाइडेंस प्राप्त कर सके जिनकी जरूरत है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।